अब हम चलते हैं, यहीं रहने। लगा उसके दादू के तिलक, अरे लगा लगा तिलक, अरे करे यहाँ से, और तैयार हो चुके हैं तो बाय बाय। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक नोटियाल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपने नए ब्लॉग में, जिसकी शुरुआत कर रहा हूँ मैं कमान से। तो अभी जा रहा हूँ मैं यहाँ से रुद्रपुर के लिए, तो बस मिल नहीं रही, बहुत टाइम हो गया क्योंकि इतनी भीड़ हो रही यात्रा सीजन के चक्कर से। मैंने खाना पीना खा लिया, तैयार भी हो गया, तो अब निकलता हूँ मैं यहाँ से। तो दिखाते हम आगे की जर्नी आपको, तो आप ही ब्लॉग पर बने रहे। एक कमान का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं आप, कमान का खूबसूरत नज़ारा, और ये हमने रूम ले रखे हैं। ये देखो यात्रा सीजन चल रही है, कितनी भीड़ भड़ाका हो रखी इधर गाड़ियों का। और ये यहाँ पे रो रहा है, रो रहा, अब हम चलते हैं, यहीं रहने। ठीक है, हेलो, चलते हैं हम। लो तिलक लगाओ, तिलक लगाओ उसके दादेश पे तिलक, अरे लगा लगा तिलक, अरे कैसे तिलक लग गए इस पे, देखो भाई, देखो भाई कैसे तिलक लग गए, ऐसे ऐसे तिलक लग गए भाई इस पे, ये देखो भाई। ले हम घर, तो अब हम जा रहे हैं रुद्रपुर, इसको छोड़ दे रहे हैं यहीं, ठीक है, और इसको छोड़ दे रहे हैं यहीं इसके दादा लोगों के साथ, ठीक है, चले। अरे कैसे देख रहे आप, फाइनली हम चलते हैं यहाँ से और तैयार हो चुके हैं तो बाय बाय। ओ माँ चल ठीक था भाई, अच्छा मेरे को गाड़ी मिल चुकी थी, एक बोलेरो मिली है, चंबा तक जा रहा था तो उस बोलेरो में बैठ गया, दो लोग थे उस पर, बेमरत्नों गाड़ में पहुँच रखे हैं ये बोलेरो जिस पर मैं आया हूँ, और यहाँ पे चाय चंबा देख सकते हैं आप। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ चंबा, यहाँ से मेरे को बस मिल गई, अब चलता हूँ यहाँ से। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ ऋषिकेश, और यहाँ पे बहुत गर्म हो रहा है, धूप लगी है बहुत खतरनाक, पहाड़ में सर्दी हो रही थी, यहाँ घर में जैकेट अब उतारू मैं, अब चलता हूँ यहाँ से हरिद्वार, बहुत ही भयंकर जाम। फाइनली पहुँच चुके हैं हरिद्वार, बस अड्डा, एक बस छोड़ भी गई है मेरी। तो फाइनली मैं बैठ गया काशीपुर वाली बस पे, क्योंकि रुद्रपुर वाली छोड़ गए थे थोड़े से, और तब मैं इस पर जाता हूँ। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ रुद्रपुर, और समय हो रहा अभी 7, और बस वाले ने मेरे को बहुत दूर छोड़ दिया था, अब यहाँ से थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा आगे, तब वहाँ से कोई बुला रहा था मैंने। फाइनली मैं रूम पर पहुँच चुका हूँ, और थकाई भी लग गई बहुत, क्योंकि बस पे बहुत ही दिक्कत हो रही थी, बहुत लंबा रास्ता था। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए यूँ बने रहे मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।